से ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया गया और नई पेंशन स्कीम को या नेशनल पेंशन स्कीम को लाई गई, उसके बाद जो आलोचना हुआ, आलोचना तक तो सरकार ठीक थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर और राजनीतिक दबाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम में या तो बदलाव करिए या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करिए दोबारा से। और ये दबाव अब जाकर और ज्यादा बढ़ गया है। जब हिमाचल प्रदेश में हार हुई तो समीक्षा के दौरान ये पता चला कि दरअसल ये एक बड़ी वजह थी हिमाचल प्रदेश में हार की। तो अब सरकार धीरे धीरे इस बात के तरफ बढ़ रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें बदलाव किए जाए। हालांकि पुराने स्कीम को वापस लाने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि वो फिर वापस यूटर्न कहलाएगा। तो सरकार फेस सेविंग एक्सरसाइज के तौर पर कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू रहे, लेकिन जो मांगे आ रही है कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, उनके संगठनों की तरफ से, उसको नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो खासियत है कुछ, उसको सरकार कुछ मामूली फेरबदल के साथ नेशनल पेंशन स्कीम में ला सकती है। मिसाल के तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम जो सैलरी मिलती थी उसका 50% तक फिक्स पेंशन होता था, तो उस तरह का कुछ फिक्स पेंशन जैसी व्यवस्था यहाँ पे सरकार कर सकती है। साथ ही साथ डीए जैसी व्यवस्था या फिर पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को और जो खासियत है जो कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर एक मसौदा तैयार किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। हालांकि शुरुआती स्तर पर अभी सिर्फ एक सैद्धांतिक सहमति की तरह सरकार बनी है कि नेशनल पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की खासियत को लाएंगे। कौन कौन सी खासियत किस रूप में आएगी अभी वो तय नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी खुशखबरी यह है कि नई पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो पेंशन धारक को राहत मिलती दिखेगी। जी,